नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, बीजेपी के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा से ही पूरे देश में तमाम राज्यों के अंदर अपना सत्ता विस्तार करती आई है। और वहीं आपको बता दें कि जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्य के अंदर भी बीजेपी तमाम तरीके के गणित लगाकर अपनी सरकार बनाने का दम रखती है और महाराष्ट्र एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के अंदर भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन होता है जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं और तेलंगाना के लोगों को संबोधित कर क्या कुछ बोलते हैं। आप आज तक की ये खबर देख पा रहे होंगे जहां साफ तौर पर लिखा है कि हैदराबाद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से लोगों को संबोधित किया और हैदराबाद को भाग्य नगर बोला। तमाम तरीके की बातें कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसके बाद आपको वो तमाम वायरल वीडियोज दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित तो करते हैं और यहां तक कि तेलंगाना के बीजेपी चीफ बीएस कुमार भी वहां पर कितनी लंबी लंबी फेंकते हुए नजर आते हैं। उसके बाद तेलंगाना के लोगों ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया और तमाम तरीके के जो वहां के लोग हैं वो क्या कुछ करते हुए, क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वो तमाम वीडियोज आपको दिखाएंगे। और साफ तौर पर आप ये भी सोच पाएंगे और देख पाएंगे क्या बीजेपी अब तमाम राज्यों के साथ साथ तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। ये सवाल सबसे एंड में आपको जवाब खुद कमेंट करके देना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ये आज तक की खबर देखी जहां साफ तौर पे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना क्यों जाते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करने और वहां पर किस तरीके से हैदराबाद को, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में जाकर एक मीटिंग का आयोजन करना और उसके बाद वहां खुद वहां के लोगों को इस तरीके से बहलाने फुसलाने की कोशिश करना, विकास की बात करना, सबका साथ सबका विकास, जो कि तमाम राज्यों में मोदी प्रधानमंत्री मोदी का रहा ही है और वही पूरा का पूरा सेम जो ये टाइटल दिया गया वो तेलंगाना में भी दिया गया। और आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर भी हैदराबाद में किस तरीके से भाग्य नगर का जो एक शब्द का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसका कितना असर वहां के लोगों पर पड़ा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी के चीफ बीएस कुमार किस तरीके से लंबी लंबी फेंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए और इस बार तो सारी सीमाओं को पार कर दिया गया। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि तमाम तरीके के सेलिब्रिटीज मैदान में उतरे, तमाम तरीके से तमाम जितने भी बीजेपी के मंत्री नेता हैं वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए थे और भीड़ ने, जो भीड़ रैलियों में आई थी उन्होंने किस तरीके से खदेड़ा था। क्या तेलंगाना में भी बीजेपी की वही स्थिति होने वाली है, ये सवाल है। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जहां पर बीएस कुमार, जो कि बीजेपी चीफ हैं तेलंगाना के, वो किस तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर किसी ने रुकवाया था तो वो एकमात्र शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। जी हाँ, एक नजर इस वीडियो पर। युद्धाने आपी। देखा आपने, ये लंबी लंबी हाकने की सारी सीमाएं पार हो गई हैं। अब इससे ज्यादा कहें तो कहें क्या। आपको बता दें कि ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया गया, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। ये पूरा जो वीडियो शेयर हुआ है ये एक कृष्णा केटी, या आप स्क्रीन पर कृष्ण केटी आरएस का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी सेज नरेंद्र मोदी जी स्टॉप डेड यूक्रेन रशिया वॉर रियली। ये जो ट्वीट किया गया है इससे आप देख सकते हैं कि कृष्ण, ये जो कृष्ण है, कृष्ण केटीआर, इन्होंने इसको ट्वीट किया है और ये जो बीएस कुमार हैं ये क्या कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। अब आप सोचिए, वोट इकट्ठे करने के लिए और तमाम राज्यों में अपनी जगह बनाने के लिए एकमात्र रूस और यूक्रेन के युद्ध का सहारा किस तरीके से बीजेपी लेती है, ये विधानसभा चुनाव और अब तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है।
यही नहीं, आपको बता दें कि बीएस कुमार जैसे ही ये बड़ी बड़ी फेक कर, बड़ी बड़ी हाक कर बैठे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुस्कान, हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पीठ ठपठपाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी बीएस कुमार की, और उस पूरी वीडियो को भी बीएस कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और बेस्ट मूवमेंट ऑफ द डे लिख कर किस तरीके से ट्वीट किया वो आप स्क्रीन पर पहले इस वीडियो को देखिए और देखिए कि कितने खुश मिजाज अंदाज से प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और वाह वाही भी दे रहे हैं। और आप बीएस कुमार के बॉडी पोस्चर पर नजर डालिएगा कि पूरे झुके हुए, मतलब आका की इतनी तारीफ कर दी कि मतलब अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। एक नजर इस वीडियो पर। इपड़ो अंदर गुड़ा देखा आपने, ये बीएस कुमार हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री के लिए कितनी लंबी लंबी फेंक रहे थे रूस और यूक्रेन, जहां का माहौल आपने देखा ही किस तरीके से उन दोनों ही देशों ने आपस में अपने तमाम साथियों को खोया है और सैनिकों ने कि दिन रात लगाई है अपने देशों को बचाने के लिए, और आप समझ सकते हैं। और एक बार में ही क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है उनके मंत्री और नेताओं द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आका का हुक्म चीफ बीएस कुमार ने फरमाया जाकर जिस तरीके से रैली में बोला और इतना बड़ा और इतना अच्छा झूठ बोलते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने देखा कि किस तरीके से खुश, हंसी का ठिकाना नहीं रहा। ये वीडियोस तो आपने देखी ही, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया, क्या कुछ भाग्यनगर से बोला, और उसके बाद बीएस कुमार ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उसके बाद आपको बता दें कि वहां की जनता का क्या रिएक्शन निकल कर सामने आया। प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे वहां के लोगों को, तो उस वक्त जनता बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आई और भागती हुई नजर आई, मतलब सुनना ही नहीं, उसको पता है फेंकी जा रही है। पहले एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि लोगों की भीड़ किस तरीके से इस कार्यक्रम, इस बैठक को छोड़कर निकलती हुई नजर आ रही है। लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। देखा आपने, ये प्रधानमंत्री की बेइज्जती, तेलंगाना को संबोधित किया गया, वहां के लोगों को संबोधित किया गया और वहां साफ तौर पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गईं, उसके बाद वहां के लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी वही जुमला फेंक रहे हैं जो तमाम राज्यों में फेंकते आए हैं। जी हां, वहीं आपको बता दें कि कृष्ण केटीआरएस ने भी एक और ट्वीट किया है, इस वीडियो को शेयर किया है जहां से लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के ये संबोधित किया गया था तेलंगाना को, जहां बैठक का आयोजन हुआ था वहां से लोग निकलते हुए नजर आए। पहले कृष्ण केटीआरएस के इस ट्वीट पर नजर डालिए कि वो क्या कुछ लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, पीपल लिविंग द वेन्यू व्हेन बीजेपी स्टार कैंपेनर मोदी जी इज स्पीकिंग शोज दैट तेलंगाना इज नॉट इंटरेस्टेड इन जुमलास। आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से इस रैली में तमाम तरीके की बातें कही गई, लंबा लंबा फेंका गया प्रधानमंत्री को, किस तरीके से तेलंगाना के लोगों ने रिएक्शन द्वारा अपना इंटरेस्ट बता दिया कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है निकलते हुए नजर। और सबसे बड़ी बात, और एक ट्वीट निकल कर सामने आया जिसे देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये तो विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक और ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया कि रिपोर्टर्स ने जब सवाल पूछा कि आप यहां से क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपके लिए आए हैं, आपके आप देख सकते हैं कि तेलंगाना को, हैदराबाद को किस तरीके से भाग्य नगर का नाम दिया गया है, तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, उसके बाद भी आप जा रहे हैं सबका साथ सबका विकास छोड़कर। तो रिपोर्टर का जवाब देते हुए क्या कुछ वहां के लोग बोले, आप इस ट्वीट पर नजर डालिए जो कि अदनान अली खान ने किया है और वो इस वीडियो को शेयर करते हैं जो वीडियो अभी आपने देखा, जहां पर लोग इस रैली से, जहां पर ये बैठक का आयोजन हुआ था वहां से निकलते हुए नजर आए। वो क्या कुछ लिखते हैं इसको ट्वीट करते हुए, वो लिखते हैं, अरे रुक जाओ मोदी जी स्पीच दे रहे हैं। आई रिपोर्टर आस्क्ड देम, रिप्लाई वाज दे गिव 500 रुपीस फॉर 2 आवर्स, वी हैव नेक्स्ट बुकिंग विद द टीआरएस नाउ। समझ सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 500 रुपए दिए गए थे 2 घंटे के लिए, उनके घंटे पूरे हो गए तो अब वो निकल रहे हैं। वही पूरा प्रोसेस
जो विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, इस तरीके की बातें निकल कर आई थी कि रैलियों में लोगों को इकट्ठा किया जाता है पैसे देकर। वहीं तेलंगाना में भी हुआ, जहां पर लोगों को पैसे देकर बुलाया गया और लोगों का टाइम पूरा हो गया और वो खिसक लिए। ये तमाम तरीके की चीजें तेलंगाना में नरेंद्र मोदी के साथ हुई और नरेंद्र मोदी को किस तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ा, यह आपने तमाम ट्वीट्स और वीडियोस द्वारा देख ही लिया। अब सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इतना विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी बहुमत से सरकार बना ली, क्या तेलंगाना में भी कोई एक अलग पैतरा बीजेपी फेंकती हुई नजर आएगी? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है तेलंगाना के इलेक्शंस को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी का स्वागत तेलंगाना के लोगों ने किया है और तमाम भाग्य नगर कहने के बाद भी, तमाम तरीके के जुमले फेंकने के बाद भी नरेंद्र मोदी को इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ा और खासकर बीएस कुमार के इस बॉडी पोस्चर और बीएस कुमार के लंबी लंबी फेंकने पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दिकंटाप। धन्यवाद।